हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। तो आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं हमारी नेमराज सुंडा थ्रू वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट नंबर 5। तो इससे पहले 4 पार्ट हमने अपलोड कर दी हैं, अगर वो आपने नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और एक प्लेलिस्ट भी है, उसमें से आप जो है चारों पार्ट आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो चैनल के पेज पर जाइए, वहाँ पर आपको पूरे जो है पूरी वीडियोज़ इसकी मिल जाएंगी। तो ये वीडियोज़ हमारी जो भी एग्रीकल्चर के पेपर आपके हो रहे हैं कहीं भी किसी भी जॉब के लिए, तो उसके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये बुक जो है जनरल एग्रीकल्चर की है, तो सभी एग्ज़ाम के लिए ये बेनिफिशियल रहेगी वीडियोज़। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारी वीडियोज़ का लिंक आपको जो जल्दी से टाइम पर मिल सके। ओके, तो देखते हैं हमारा पार्ट नंबर 5। तो इसमें हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो 201 से शुरू होंगे, क्योंकि पहले 4 वीडियोज़ में हमने 50-50 करके 200 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ओके, तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 201। व्हाट इज़ कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस? कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला पूछा गया बेसिकली हमसे, तो दैट इज़ सिंक ओवर सोर्स इंटू 100। ओके, सिंक ओवर सोर्स इंटू 100। सिंक सोर्स क्या है ये हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 202, व्हाट इज सोर्स? सोर्स क्या होता है? इट इज़ द पार्ट ऑफ प्लांट वेयर फोटोसिंथेसिस अकर्स, जनरली लीव्स। तो प्लांट का वो पार्ट जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस होगा तो फूड बनेगा, फूड वहाँ पे जो है मतलब फूड बन रहा है। ओके, तो वो हमारा सोर्स है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 203, व्हाट इज सिंक? सिंक क्या है? इट इज़ द पार्ट ऑफ प्लांट वेयर फोटोसिंथेसिस एक्युमुलेट्स, जनरली ग्रेन्स इन द सिंक इज़ द सिंक, बट मे बी एक्सेप्शंस लाइक स्टेम इन पोटैटो, रूट्स इन शुगर बीट एंड लीव्स इन पालक। ओके, तो क्या होता है कि सिंक क्या है, भी सोर्स में हमारा फूड बन रहा है और वो जहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, तो उस पोर्शन को हम बोलेंगे सिंक। ओके, तो वो डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट हो सकता है, जैसे पोटैटो में स्टेम होता है, शुगर बीट में रूट्स होती हैं उसकी, पालक में उसके लीव्स होते हैं, और बाकी वीट राइस में जो है ग्रेन होता है उसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई स्टबल्स ऑफ सॉर्गम टेक्स लॉन्गर टाइम टू डिकम्पोज? तो सॉर्गम जो है हमारा ही, उसकी जो स्टबल्स हैं तो उसको ज़्यादा टाइम क्यों लगता है डिकम्पोज होने में? तो इसका आंसर है हमारा ड्यू टू बिकॉज सॉर्गम हैज़ वाइड सीएन रेशो। तो सीएन रेशो ज़्यादा होती है, कार्बन नाइट्रोजन रेशो, इसलिए उसको ज़्यादा समय लगता है डिकम्पोज होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सॉर्गम सिकनेस? सॉर्गम सिकनेस क्या है यहाँ पे? द आंसर इज द स्टबल्स ऑफ सॉर्गम सॉर्गम टेक्स लॉन्ग टाइम टू डिकम्पोज ड्यू टू वाइड सीएन रेशो, हैंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन सॉयल नाइट्रोजन गेट्स ब्लॉक्ड और टेम्पोरली इमोबलाइज, अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप बाय शोइंग अर्ली नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, दिस इज नोन एज सॉर्गम सिकनेस। तो क्या होता है इसमें कि जैसे हमने देखा कि सॉर्गम में जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ज़्यादा है, ओके, वाइड सीएन रेशियो होती है, तो उसकी वजह से जो नाइट्रोजन है वो ब्लॉक हो जाती है, वो प्लांट्स को मिलती नहीं है, तो इसकी वजह से जो स्टबल्स हैं वो जो है ज़्यादा टाइम लेते हैं डिकम्पोज होने में, और बाकी जो हमारी नाइट्रोजन जो है उससे कम हो रही है, तो क्रॉप के लिए जो नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। ओके, तो इसी जो नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी कम हो रही है क्रॉप के लिए, उसको हम सॉर्गम सिकनेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेथड इज़ प्रैक्टाइज टू अवॉइड सॉर्गम सिकनेस? तो अभी जो सॉर्गम सिकनेस हो रही है उसको अगर हमें क्वेयर करना है, ओके, उसको रोकना है, तो हमें क्या करना होगा? द आंसर इज़ टू रिड्यूस सॉर्गम सिकनेस अफेक्ट 25% मोर नाइट्रोजन इज़ अप्लाइड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट फर्टिलाइजर डोज ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप। ओके, अगर हमने जो सॉर्गम लगाई है उसमें सॉर्गम नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन रेशियो इंक्रीज़ हो गई, सॉर्गम सिकनेस आ गई, ओके, तो नेक्स्ट जो क्रॉप हम लेंगे उसमें हम 25% जो नाइट्रोजन है एक्स्ट्रा डालेंगे उसमें। ओके, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ब्लॉक हो रही है, अवेलेबिलिटी कम हो रही है, तो उसके लिए हमें फर्स्ट फर्टिलाइजर डोज जो नाइट्रोजन की हमें देनी है उसमें हम 25% एक्स्ट्रा डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 207, व्हाट इज ड्राईलैंड एग्रीकल्चर? इट मींस एट कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंटायरली अंडर रेनफेड कंडीशन। ओके, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्या है? एंटायरली अंडर रेनफेड कंडीशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ड्राई फार्मिंग? ड्राई फार्मिंग क्या है? इट इज़ द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन एरियाज वेयर एनुअल रेनफॉल इज़ लेस देन 750 mm। तो 750 mm से अगर कम रेनफॉल हो रही है जिन एरियाज में, वहाँ पे जो एग्रीकल्चर की जाएगी उसको हम ड्राई फार्मिंग बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 209 नंबर, इन ड्राई फार्मिंग क्रॉप फेलर इज़ ड्यू टू। तो ड्राई फार्मिंग अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्रॉप फेलर हो अगर होता है तो उसकी क्या वजह हो सकती है? द आंसर इज़ प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल्स ड्यूरिंग क्रॉप पीरियड। तो ड्राई फार्मिंग कर रहे हैं, ड्राई लैंड है वहाँ पे, ओके, वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, तो जो ड्राई स्पेल अगर ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो क्रॉप को तो वाटर चाहिए, तो उसकी वजह से क्रॉप जो है फेलर हो सकता है। नेक्स्ट 210 नंबर क्वेश्चन, ड्राई फार्मिंग इज़ प्रैक्टाइज इन डैश एरियाज़। तो कौन से एरियाज़ में ड्राई फार्मिंग होती है? द आंसर इज़ एरिड एरियाज़। ओके, एरिड विद द हेल्प ऑफ मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस हम एरिड एरियाज़ में ड्राई फार्मिंग कर सकते हैं। अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम इज़ सुजेस्टेड इन दिस रीजन। तो अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम जो है सुजेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ड्राई लैंड फार्मिंग? ड्राई लैंड फार्मिंग क्या है? कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन एरियाज वेयर एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 750 mm बट लेस देन 1150 mm इज़ कॉल्ड ड्राई लैंड फार्मिंग। ओके, तो जहाँ पे हमारी 750 mm से ज़्यादा हो रही है लेकिन 1150 mm से कम हो रही है रेनफॉल, तो उन एरियाज में जो फार्मिंग होगी उसको हम ड्राई लैंड फार्मिंग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई लैंड फार्मिंग इज प्रैक्टाइज्ड इन डैश रीजन। तो ड्राई लैंड फार्मिंग किस एरिया में हो रही है? द आंसर इज सेमी एरिड रीजन में। ड्राई फार्मिंग हो रही है एरिड में और ड्राई लैंड फार्मिंग हो रही है सेमी एरिड रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स इन ड्राई लैंड फार्मिंग? तो ड्राई लैंड फार्मिंग अगर कर रहे हैं तो वहाँ क्या कंस्ट्रेंट्स आएंगे हमें? दी आंसर इज़ विंड एंड वाटर इरोजन। तो दोनों चीज़ें आएंगी, विंड इरोजन भी होगा और वाटर इरोजन भी होगा, ठीक है? तो ये ड्राई लैंड फार्मिंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ रेन फेड फार्मिंग? तो अभी रेन फेड फार्मिंग क्या है? कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन एरियाज वेयर एनुअल रेनफॉल इज़ मोर देन 1150 mm। तो जहाँ पे 1150 mm से ज़्यादा रेनफॉल है वहाँ पे रेन फेड फार्मिंग बोलेंगे हम उसे। ओके, तो तीन हुए ड्राई फार्मिंग जहाँ पे 750 mm से कम रेनफॉल है, और उसके बाद ड्राई लैंड फार्मिंग 750 से 1150 mm रेनफॉल वाले एरिया में, और रेन फेड फार्मिंग अगर 1150 mm से ज़्यादा रेनफॉल हो रही है वहाँ पे। नेक्स्ट 215 नंबर क्वेश्चन, रेन फेड फार्मिंग इज़ प्रैक्टाइज्ड इन डैश रीजन्स। तो रेन फेड फार्मिंग किस एरिया में होगी? दी आंसर इज़ ह्यूमिड रीजन में, क्योंकि रेनफॉल ज़्यादा हो रही है तो ह्यूमिड रीजन होगा वो, तो वहाँ पे जो हमारी फार्मिंग होगी तो उसको रेन फेड फार्मिंग बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 216, व्हाट इज़ दी कंस्ट्रेंट इन रेन फेड फार्मिंग? रेन फेड फार्मिंग में क्या कंस्ट्रेंट है? दी आंसर इज़ वाटर इरोजन। तो यहाँ पे विंड इरोजन नहीं हो रहा है क्योंकि ह्यूमिड रीजन है, विंड इरोजन नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा वाटर इरोजन जो है मेन कंस्ट्रेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एग्रोक्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड? तो एग्रोक्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग कब इंट्रोड्यूस की गई थी? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1988 बाय द प्लानिंग कमीशन अंडर दी 7th 5-year प्लान। ओके, 7वें 5 साल प्लान के अंदर प्लानिंग कमीशन ने 1988 में जो है हमारी एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग जो है इंट्रोड्यूस की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग कमीशन वॉज हेडेड बाई? वॉज यहाँ पे आएगा क्योंकि प्लानिंग कमीशन को अभी ख़त्म कर दिया गया है, उसकी जगह नीति आयोग को ले आया गया है। ओके, तो इसलिए प्लानिंग कमीशन को कौन हेड करता था? दी आंसर इज प्राइम मिनिस्टर। तो अभी नीति आयोग है, नीति आयोग को कौन हेड करता है और वो नीति आयोग किस साल में बना है? तो दोनों चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नीति की फुल फॉर्म क्या है? दी आंसर इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो यहाँ पे ये तो लिख दिया गया 2015 इस क्वेश्चन में, तो आप ये बताएंगे कि उसको हेड कौन करता है। ओके, नीति आयोग को कौन हेड करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 220, व्हाट इज़ दी क्राइटेरिया टू डिवाइड एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स? तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स जो बनाई गई हैं उसको डिवाइड करने के लिए क्या क्राइटेरिया यूज़ किया गया है? एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया ऑफ होमोजेनिटी इन एग्रो करेक्टरिस्टिक्स सच एज रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉयल टॉपोग्राफी, वाटर रिसोर्सेज एंड क्रॉपिंग सिस्टम।
तो किस बेसिस पे ये डिवीज़न की गई है, तो उसके लिए हम रेनफॉल कितनी हो रही है किस एरिया में, ओके वहाँ पे टेम्परेचर कितना, सॉइल की कंडीशन कैसी है, ओके स्लोप कितना है, वाटर रिसोर्सेज क्या क्या है, क्रॉपिंग सिस्टम क्या यूज़ होता है, ये सारे करेक्टर यूज़ करके जो है डिफरेंट रीजन को अलग अलग जो है जोन्स में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 221, इंडिया इज़ डिवाइडेड इंटू हाउ मैनी एग्रोक्लाइमेटिक जोन अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन। तो दो यहाँ पे दो तरह के हमारे पास डिवीज़न है, एक तो दी गई है प्लानिंग कमीशन की तरफ से, दूसरी ICR की तरफ से। तो प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग कितनी एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं हमारी, दी आंसर इज़ 15, ओके 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन एज पर प्लानिंग कमीशन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 222, तो यहाँ पे हमें ICR के अकॉर्डिंग पूछा गया कितनी कितनी एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं, तो इसका आंसर रहेगा 131, 131, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 223, ट्रांस गैंगेटिक प्लेन जोन कंसिस्ट ऑफ, जो हमारा ट्रांस गैंगेटिक प्लेन जोन है उसमें कौन कौन सा एरिया आता है, दी आंसर इज पंजाब, हरियाणा, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, चंडीगढ़ एंड गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो ये हमारा जो प्लेन एरिया है ये हमारा ट्रांस गैंगेटिक प्लेन जोन में आता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 224, फीचर्स ऑफ ट्रांस गैंगेटिक प्लेन जोन, क्या फीचर हैं उस एरिया के, दी आंसर इज इट इज़ दी हाईएस्ट इरीगेटेड एरिया, हाईएस्ट नेट सोन एरिया, हाईएस्ट हाई क्रॉप इंटेंसिटी एंड हाई ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन। तो ये चार मेन करेक्टर हैं ट्रांस गैंगेटिक प्लेन जोन के, ओके। नेक्स्ट को 225 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ एग्रो इकोलॉजिकल रीजन, तो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन किया था पहले, अभी है एग्रो इकोलॉजिकल रीजन। इट इज़ दी लैंड यूनिट कट आउट ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, तो यहाँ पे डेफिनेशन पूछी गई है हमसे, इट इज़ दी लैंड यूनिट कट आउट ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक रीजन व्हेन सुपर इम्पोज ऑन लैंड फॉर्म एंड काइंड ऑफ सॉयल्स एंड सॉयल कंडीशंस दैट एक्ट एज मॉडिफायर टू क्लाइमेट एंड लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड, ओके। तो ये डेफिनेशन है एग्रो क्लाइमेटिक एग्रो इकोलॉजिकल रीजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 226, इंडिया इज डिवाइडेड इंटू हाउ मैनी एग्रो इकोलॉजिकल रीजन अकॉर्डिंग टू NBSS एंड LUP, ओके इनके अकॉर्डिंग, इस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कितने जोन्स में बांटा गया है। तो यहाँ जो NBSS एंड LUP है इसका फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ओके कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसकी फुल फॉर्म। तो इसके अकॉर्डिंग कितनी एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं, दी आंसर इज 20, तो 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज डिवाइडेड इंटू हाउ मैनी एग्रो इकोलॉजिकल जोन रीजन्स अकॉर्डिंग टू ICR, तो ICR ने कितने एग्रो इकोलॉजिकल रीजन दिए हैं, दी आंसर इज 8, ओके। तो ICR ने एग्रो क्लाइमेटिक रीजन दिए हैं 131 और एग्रो इकोलॉजिकल रीजन दिए हैं 8, तो दोनों को याद रखना आपने, कन्फ्यूज़ नहीं करना है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 228, व्हाट इज़ ड्रॉट, ड्रॉट किसको बोलेंगे हम, दी आंसर इज़ इट रेफर्स टू दी सिचुएशन इन एनी एरिया इन ए ईयर वेयर एनुअल रेनफॉल इज़ लेस देन 75% ऑफ द नॉर्मल, ओके। तो किसी एरिया में अगर 75% से भी कम रेनफॉल हो रही है, मतलब अगर वहाँ पे 100 mm रेनफॉल हो रही थी और जो 75 mm से कम हो रही है, नॉर्मल 100 mm होती थी लेकिन किसी ईयर में 75 mm से भी कम हुई है, तो उसको हम ड्रॉट ड्रॉट बोलेंगे, ओके उस पीरियड को ड्रॉट पीरियड बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 229, व्हाट इज स्वीयर ड्रॉट, वो नॉर्मल ड्रॉट था, अभी अगर स्वीयर ड्रॉट कब होगा, तो इसका आंसर है व्हेन डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल इज अबव 50% ऑफ द नॉर्मल, इट इज़ नोन एज स्वीयर ड्रॉट। वहीं अगर 100 mm की जगह अगर 50 mm से भी कम रेनफॉल हो रही है उस एरिया में उस साल में, तो उसको हम सवियर ड्रॉट बोलेंगे, ओके स्वीयर ड्रॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स, तो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स क्या है, दी आंसर इज इट इज़ द रेशियो बिटवीन रेनफॉल एट 50% प्रोबेबिलिटी पीरियड टू पोटेंशियल वेपो ट्रांसपीरेशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड, ओके। किसी टाइम पे कितनी रेनफॉल हो रही है उसकी 50% प्रोबेबिलिटी और कितनी वहाँ पे वेपो ट्रांसपीरेशन हो रही है, तो उसका अगर रेशियो निकालेंगे तो वो हमें बताएगा कि वहाँ का मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एवेपोट्रांसपिरेशन, एवेपोट्रांसपिरेशन क्या है, इट रेफर्स टू द एवेपोरेशन फ्रॉम द सॉयल सरफेस एंड ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द प्लांट सरफेस। सॉयल सरफेस से जो पानी हमारा एवेपोरेट हो रहा है
वो, और जो प्लांट सरफेस से पानी जो है ऊपर जा रहा है उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। दोनों को इकट्ठा करके हम एवेपो ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। टोटल वाटर लॉस हो रहा है जो सॉयल से भी, सॉयल सरफेस से भी और प्लांट से भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 232, हाउ वेपर ट्रांसपिरेशन लॉसेस कैन बी रिड्यूस। तो कम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं इसका लॉस हम? दी आंसर इज बाई यूज ऑफ मल्चेस, एंटी ट्रांसपेरेंट्स एंड विंड ब्रेक्स। तो तीन चीज़ें हैं, मल्चेस यूज़ कर सकते हैं वो सॉयल को कवर कर देगा, एंटी ट्रांसपेरेंट प्लांट्स में लगा सकते हैं वो ट्रांसपिरेशन को कम कर देगा, और विंड ब्रेक्स लगा सकते हैं। तो विंड जब कम होगी तो ऑब्वियसली जो हमारी वेपोरेशन है वो भी उससे थोड़ी कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 233, व्हाट इज एंटी ट्रांसपेरेंट्स? एंटी ट्रांसपेरेंट्स क्या है? दी आंसर इज द मटेरियल अप्लाई टू प्लांट सरफेस टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। प्लांट के सरफेस पे जो मटेरियल लगाए जाते हैं कि वहाँ से ट्रांसपिरेशन कम हो, तो उसको हम एंटी ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी ट्रांसपेरेंट्स रिड्यूस, तो क्या रिड्यूस करते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस को ही रिड्यूस कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 235, एंटी ट्रांसपेरेंट हैज़ प्रैक्टिकल यूज़ इन डैश एंड डैश क्रॉप्स। कौन कौन सी क्रॉप्स में प्रैक्टिकल यूज़ है इसका? ये आंसर इज नर्सरी एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो हाई वैल्यू क्रॉप्स जो होती हैं हमारी, तो उन्हीं में हम इसको यूज़ करते हैं, इस टेक्निक को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोड ऑफ एक्शन ऑफ स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट? तो जो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट है उसका क्या, कैसे एक्शन करता है वो? दी आंसर इज़ दे रिड्यूस वाटर लॉस बाय क्लोजिंग दी स्टोमेटा। तो स्टोमेटा को क्लोज कर देता है तो जो है ट्रांसपिरेशन लॉस जो है कम हो जाता है प्लांट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट कितनी तरह के होते हैं? तो टोटल चार तरह के होते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट। कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, सेकेंड वन फिल्म फॉर्मिंग, थर्ड वन रिफ्लेक्टिंग टाइप एंड फोर्थ वन ग्रोथ रिटार्डेंट्स। तो चारों को याद रखना है नाम आपने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स ऑफ स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट। तो जो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप हैं उसकी कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं? दी आंसर इज फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट PMA, सेकेंड वन एट्राजीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तीनों जो हमारे हैं वो एंटी ट्रांसपेरेंट हैं, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एंटी ट्रांसपेरेंट्स चेक लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ थिन फिल्म विच एक्ट एज ए फिजिकल बैरियर। तो अगर जो हमारा एंटी ट्रांसपेरेंट फिल्म फॉर्म कर रहा है उस पर, ओके प्लांट पे, और फिजिकल बैरियर के तौर पे वो एक्ट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज़ फिल्म फॉर्मिंग एंटी ट्रांसपेरेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ फिल्म फॉर्मिंग एंटी ट्रांसपेरेंट। तो फिल्म फॉर्मिंग एंटी ट्रांसपेरेंट के क्या एग्जाम्पल है? दी आंसर इज मोबिलीफ, हेक्साडेकानोल, सिलिकॉन ऑयल्स एंड वैक्सेस। तो ये जो एग्जाम्पल्स हम कर रहे हैं ना, तो इनको आप ज़रूर ध्यान से लिख अपने पास एक जगह लिख लीजिए। ओके, क्योंकि एग्जाम्पल से काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है, तो सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सिलिकॉन किस टाइप का एंटी ट्रांसपेरेंट है, तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये फिल्म फॉर्मिंग एंटी ट्रांसपेरेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 241, डैश केमिकल्स रिफ्लेक्ट द रेडिएशन एंड रिड्यूस लीफ टेम्परेचर। तो वो कौन से केमिकल हैं जो रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं? दी आंसर इज रिफ्लेक्टिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट। ओके, तो इसका आंसर है रिफ्लेक्टिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप की क्या एग्जाम्पल्स हैं? दी आंसर इज केओलिन। ओके, केओलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोड ऑफ एक्शन ऑफ ग्रोथ रिटार्डेंट एंटी ट्रांसपेरेंट? ग्रोथ रिटार्डेंट जो है हमारे, उनका कैसा मोड ऑफ एक्शन है, कैसे काम करते हैं वो? दी आंसर इज दीज केमिकल्स रिड्यूस शूट ग्रोथ एंड इंक्रीज दी रूट ग्रोथ एंड दस हेल्प दी प्लांट टू रिजिस्ट ड्रॉट। दे ऑल्सो इंड्यूस स्टोमेटा क्लोज। दोनों काम करते हैं ग्रोथ रिटार्डेंट, स्टोमेटा को क्लोज करते हैं और दूसरा रूट की ग्रोथ को इंक्रीज कर देते हैं। तो रूट ग्रोथ इंक्रीज होगी तो रूट्स जो है हमारी डीपर लेयर्स की सॉइल से जो है वाटर को एक्सेस कर सकते हैं, तो ड्रॉट को उससे ओवरकम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोसेल इज ए डैश टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट। तो साइकोसेल जो है वो किस टाइप का है? द आंसर इज ग्रोथ रिटार्डेंट। ओके, ग्रोथ रिटार्डेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर विंड ब्रेक्स? तो विंड ब्रेक्स क्या है हमारे? द आंसर इज विंड ब्रेक्स आर सच स्ट्रक्चर्स विच ब्रेक द विंड फ्लो एंड रिड्यूस स्पीड। तो जो भी स्ट्रक्चर हमारी विंड की स्पीड को कम कर रही है, विंड के फ्लो को रिड्यूस कर रही है, ओके, तो उसको हम विंड ब्रेक बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर शेल्टर बेड्स? शेल्टर बेड्स क्या है? दीज आर द रोज ऑफ ट्रीज और शर्ब्स प्लांटेड अक्रॉस द विंड डायरेक्शन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप अगेंस्ट विंड। ओके, तो जो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट्स में। विंड ब्रेक्स में कोई भी जो स्ट्रक्चर आ सकती है हमारी, और जो शेल्टर बेल्ट्स होंगी उसमें रोज ऑफ ट्रीज और श्रब्स होती हैं। ओके, तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जहाँ से विंड आ रही है उस डायरेक्शन में लगा दी जाती हैं, और जिससे क्रॉप को विंड से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एग्रो फॉरेस्ट्री? एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? द आंसर इज इट इज़ द सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम विच इंक्रीजेज द यूज़ ऑफ लैंड, कंबाइंस द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट प्लांट्स और एनिमल्स। तो सारी चीज़ें ये होती हैं इस एरिया पे, तो एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर भी हो रहा है और फॉरेस्ट्री भी हो रही है। ओके, तो उसको हम एग्रो फॉरेस्ट्री बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 248, एग्रो फॉरेस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज। एग्रो फॉरेस्ट्री को और क्या बोला जाता है? द आंसर इज ट्री क्रॉप प्लांटिंग। ओके, ट्रीज भी लग रहे हैं और मतलब फॉरेस्ट्री हो गया, और क्रॉप प्लांटिंग भी हो रही है, क्रॉप मतलब एग्रीकल्चर हो गया। ओके, तो इसको ट्री क्रॉप प्लांटिंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 249, डिफाइन एग्री सिल्वीकल्चर। तो एग्री सिल्वीकल्चर क्या है? द आंसर इज एग्रीकल्चर क्रॉप्स प्लस फॉरेस्ट क्रॉप्स सिल्वीकल्चर। तो फॉरेस्ट क्रॉप्स को हम सिल्वीकल्चर बोलते हैं, और एग्रीकल्चर हमारा हो गया यहाँ पे, और दोनों को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा एग्री सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 250, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन सिल्वो पास्टोरल। ओके, सिल्वो पास्टोरल क्या है? द आंसर इज फॉरेस्ट क्रॉप्स प्लस पास्चर मैनेजमेंट, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ओके, अगर हम दोनों चीज़ कर रहे हैं, फॉरेस्ट क्रॉप्स भी लगा रहे हैं और साथ में एनिमल्स को भी रियर कर रहे हैं, ओके, पास्चर मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम सिल्वो पास्टोरल सिस्टम बोलेंगे। ओके, तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन, पार्ट नंबर 5। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पुराने वीडियोस जो हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ आई बटन पे भी आप जो है पूरी इसकी प्लेलिस्ट है वहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।